सो श्रीनगर एयरपोर्ट से करीब 4,000 रुपये में इनोवा टैक्सी मिल जाती है। अरे थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है। ड्राइवर को देख के अच्छा लग रहा था, मगर चल नहीं ही सही में अभी रुकते हैं उसके बगल में। नहीं। मिलो ये शाश्वत हमारे मित्र और हम तीनों जा रहे हैं यात्रा के लिए। ये देखिए आपको नज़ारे दिखाते हैं यहाँ पे कश्मीर के। तो श्रीनगर एयरपोर्ट से सोनमर्ग के लिए करीब 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ब्रेक लेने के लिए रुक सकते हैं और जरूर रुकना चाहिए। सो नाउ इट इज 2 PM, 2 बज चुके हैं और अभी हमें ये देखिए बैकग्राउंड में मेरे खजीवास ग्लेशियर। सो दिस इज सोनमर्ग नाउ। चलिए अब आपको अपना होटल दिखाता हूँ। तो कश्मीर में जर्नली होटल्स बहुत महंगे हैं, बट JKTDC जो कि वहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे आप सरकारी होटल्स बुक कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए 2,000 रुपये में कितना बढ़िया होटल टॉप लोकेशन में आपको मिल सकता है। तो हमें डिलक्स रूम मिला है। पूरी वुडन लुक है, फैंस नहीं है, मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे एसी वगैरह कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है। छोटा सा रूम है, बड़ा डिसेंट है। तो बाहर इस टाइम नहीं दिख रहा, बट थोड़े से पहाड़ों का नजारा है। तो डे एंड करते हैं फिर आज का। सुबह हमें जल्दी निकलना है, कोशिश करेंगे 4 बजे निकलने की। तो अभी करीब 9 बजने वाले हैं, तो जल्दी सो जाते हैं आज खाना खा के। कल का लंबा दिन होने वाला है और कल आपको लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा बर्फानी के। बम बम भोले। रात में ही हमने सुबह 4 बजे के लिए सोनमर्ग के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी की बुकिंग करवा दी थी। तो आधे घंटे की इस जर्नी के लिए हमने करीब 1,500 रुपये दिए। जो टैक्सी हमें मिली वो थी शेवरले की टवेरा। सो बालटाल बेस कैंप में सुबह 4:30 बजे ही काफ़ी रौनक थी और हम भी बाकी श्रद्धालुओं के साथ आगे डोमेल चेक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ गए। तो अभी बालटाल से डोमेल की तरफ पैदल चल रहे हैं हम और चढ़ाई अब शुरू होने लगी है। अभी तक तो घोड़ा नहीं लिया हमने, देखते हैं। तो ये सुबह 4:30 बजे का नज़ारा है बालटाल बेस कैंप का। यहीं से घोड़े मिल जाते हैं जिसका रेट करीब 3,000 रुपये वन साइड है और करीब 4,500 रुपये में आना जाना हो सकता है। सो यहाँ से आधे घंटे की वॉक करके हम 2 किलोमीटर आगे डोमेल चेक पॉइंट पे पहुँच गए थे, जहाँ पे यात्रा पर्ची और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। सो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली गेट्स जो हैं यहाँ से 5 बजे खुलते हैं। सो 1 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद हमने डोमेल का चेक पॉइंट सुबह 6 बजे क्रॉस किया। तो RFIDs और मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ चेक नहीं हुआ, सिर्फ यात्रा की पर्ची की चेकिंग हुई। RFID का क्या हुआ? सो दैट वाज फर्स्ट चेक पॉइंट एट डोमेल। अब नेक्स्ट आई थिंक शायद संगम। सो आज सबसे भीड़ वाला दिन है इस ट्रिप का और करीब 50,000 लोग कह रहे हैं कि गुफा तक जाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए देखते हैं। अगर आप भी यात्रा पैदल करने की सोच रहे हैं तो करीब 1 या 2 महीना पहले अपने आप को आधा घंटा वॉक करने के लिए या फिर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि स्टेमिना बिल्ड हो सके, ज़रूर लीजिएगा। ग्लेशियर देखो, ग्लेशियर का 14,000। अरे नहीं, 14 अभी नहीं पहुंचे, 10,000। पानी आ रहा है देखो ग्लेशियर में से, तो बर्फों के लेवल पे तो पहुंच गए हम। सो वी आर एट एलिवेशन ऑफ 3058 मीटर्स, 10,000 के आसपास होगा। हम बोले बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी गुफा तक का जो रास्ता है वो 14 किलोमीटर का है। तो आना जाना जो घोड़े वाले हैं वो तो एक दिन में कर लेते हैं, पैदल भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1 या 2 महीना पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम आना जाना आज ही के दिन कंप्लीट कर लें। तो आप आ चुके हैं बालटाल बेस कैंप से 5 किलोमीटर।
तो अभी बचे होंगे 9, कितना गया 5 आ गए, 5 आ गए, 9 बजे, 9 बजे माटो कैंप, 9 नहीं सर जी, डेमो से जो रजिस्ट्रेशन कैंप है वहां से बाइक मिलती है, बस बढ़ाओ मत सिर्फ घटाओ। ऐसा है रास्ता बिल्कुल कच्चा, यहाँ थोड़ा गीला है, वैसे मिट्टी वाला है तो धूल बहुत है। ऑलमोस्ट 11,000 फुट पर पहुँच गए हम, देखिए वहाँ से आए हैं, ये पूरा स्टीप चढ़ाई है, आगे का थोड़ा स्मूथ लग रहा है बट पूरा मिट्टी और पत्थरों वाला रास्ता है। अगर आप आने का सोच रहे हैं तो जूते अच्छे वाले पहनिएगा, जरूरी है। घोड़ों का ट्रैफिक जैम, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे रात को बारिश और बादल फटने की वजह से ब्रिज टूट गया था। तो यहाँ से हम सब यात्रियों को, घोड़े पे थे या फिर पैदल थे, उन सबको नीचे नदी की तरफ मोड़ दिया गया और जहाँ पे काफ़ी इस वजह से भीड़ लग गई थी और 4 से 5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रूट बन गया था। जय भोले। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि ऊपर काम चल रहा है और हम सबको नीचे की तरफ मोड़ा जा चुका था। अबे बुआ बताओ कैसे कैसे जाना है, पहले हम ये फिर अब वहां से zigzag पहले पूरा नीचे और फिर पहले ऊपर। ये जा रहे हैं साले साहब और ये है संगम, वो है इंडस और ये दूसरी नदी, यहाँ पे नाम है आपको लिख दूंगा क्या पानी आ रहा है, बढ़िया वाला। बम बम बोले आओ, लुक एट दिस लोकेशन, 3 नदियां, 3 वाटर बॉडीज मिल रही है। एक देखिए वो सामने से वो बर्फों में से वाटरफॉल आ रहा है, ये सामने इंडस रिवर, सिंधु नदी और यहाँ से एक और रिवर आ रही है। हम अभी उतरे थे यहाँ से और अभी ये पूरा पहाड़ चढ़ना है, हमने बिल्कुल इस पहाड़ के टॉप पे जाना है। चलते चलो। सो इस अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर के डिटूर की वजह से हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा लगे और ये शायद टफेस्ट पार्ट था हमारी पूरी जर्नी का। वो देख लो वो आ रहा है। तो अमरनाथ जी की यात्रा करनी है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बट आई थिंक पहुंच गए अब हम, वी हैव रीच्ड दैट सिमिलर हाइट अगेन। और वहां से नीचे वहां आ जाओ शाश्वत, वेरी गुड। चलो जी बम बम बोले आ जाओ, वेरी गुड। बस पहुंच गए। वो रही गुफा, वो तो दिख गई। अरे नहीं ओरिजिनल रूट।
अरे भाई उसको फाइनली पास पहुंच गए पहुंचे। तो अमरनाथ जी की गुफा से करीब 2 किलोमीटर पहले ही मेन बेस कैंप की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे रहने के लिए टेंट्स मिल जाते हैं और आपके खाने के लिए यहाँ पे लंगर का भी इंतज़ाम है। तो जहाँ पे अगर रहना हो तो करीब 500 रुपये में ओवरनाइट स्टे के लिए आपको टेंट्स आराम से मिल जाता है। तो हमने भी यही सोचा था कि अगर हम शाम को 5-6 बजे तक हम दर्शन नहीं कर पाते तो हम रात को फिर यहीं पे स्टे करेंगे। हाँ, ग्लेशियर भी आ गया है। नाउ वी विल डू ग्लेशियर क्रॉसिंग। क्यों स्लिपरी है? ये पत्थर तो बहुत बार फूटी ना, ये देखिए। हाँ ध्यान से चलो, ब्लैक आइस। पीछे नदी जा रही है ना, इसकी तरफ जाने का मेरा मन कर रहा है, तो चलो नदी तक देखते हैं कैसा है पानी। नीचे से निकल रही है लगता है, बिल्कुल ही बर्फीला पानी है, बहुत ठंडा, बहुत बढ़िया, बहुत साफ। कैसा है पानी? बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। मुंह हाथ धो लो थोड़ा, लेकिन नहा लो, थोड़ी डुबकी मार लो इसमें। सही है, बढ़िया है। बिल्कुल बर्फीला हो, ग्लेशियर से निकल रहे, मिट्टी निकल रही होगी मुझसे बिल्कुल। फाइनली 2 बजे हम गुफा में पहुंच गए हैं। आपको यहीं पे हम अपना सामान जमा करा देंगे और अब आगे हम अपना कुछ लेके जा नहीं सकते। पहुंच गए फाइनली, जय बाबा भवानी। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए हमारे। तो वहाँ पे पहले एक स्टील का दरवाज़ा है, गेट्स लगे हुए हैं और फिर वहाँ से फाइनली आप लास्ट की करीब 10 सीढ़ियाँ वो चढ़ के आप बिल्कुल शिवलिंग के पास पहुँच जाते हैं। तो यहीं पे हम खड़े रहे करीब 5 मिनट क्योंकि ताकि आगे के लोग निकल जाएं। जो आज हमें 4-5 किलोमीटर करने से एक्स्ट्रा टाइम लगा, वो सारा एक्स्ट्रा टाइम अंदर हमें बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगा। अंदर 7-8 मिनट शिवलिंग के साथ नहीं लगता, याद आ रहे इस जगह को देख के विभू कुछ? पूरा वो बेस के आर्मी कैंप है वहाँ पे।
अगर आप बालटाल से आएंगे तो पहली बार गुफा के दर्शन इस टर्निंग पॉइंट पे होते हैं जहाँ से आप गुफा देख पाएंगे। साढ़े चार जस्ट टू इन्फॉर्म यू देर आर सर्टन चेंजेस इन द रेगुलेशंस। अभी मूवमेंट के टाइमिंग्स जो है वो चेंज हो गए हैं। अगर आप सोनमर्ग में रह के अगर आप चाहते हैं कि बालटाल बेस कैंप में जाएं मॉर्निंग में तो अभी आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल, क्योंकि रात को यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि 7 बजे से पहले किसी भी गाड़ी को यहाँ से जाने की यात्री को परमिशन नहीं मिलेगी। सो द टाइमिंग इज नाउ 7 AM इन द मॉर्निंग टिल 3 PM इन द आफ्टरनून। उसके अलावा मूवमेंट इज नॉट परमिटेड। तो अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप बालटाल बेस कैंप में ही रुकिए और वहीं से अपनी यात्रा कीजिए और वापसी पर भी आप वहीं पर रुकिए। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए, मिलते हैं आपको फिर श्रीनगर में। रास्ता बहुत सुंदर है सोनमर्ग टू बहुत श्रीनगर वाला, बहुत बढ़िया रास्ते में कुछ है, आदमी का चलती है, आदमी का मन करता है कि मैं ये रुक जाऊं। सही बात है, मैं भी सोच रहा यार चलते चलते कहीं रुकेंगे, लेकिन वो हां नहीं अभी रुक गए। अरे भाई अभी रुकेंगे हम, एक सामने एक खाने पीने की जगह। वाह वाह क्या नजारा है, ये रात को 1 बजे का सीन है श्रीनगर का। और देखो क्या पार्टी चल रही है ऊपर भी और अंदर भी। ये होटल विद बालकनीज, एवरी बालकनी हैज अ व्यू ऑफ द डल विद अ गार्डन इन द फ्रंट एंड देयर इज अ फाउंटेन, अभी बंद है। व्हाट अ लवली मॉर्निंग, ये देखिए मॉर्निंग में क्या नज़ारा है, यहाँ पे बारिश हो रही है सुबह सुबह श्रीनगर में। और आहा, मौसम आज थोड़ा सा बेटर हुआ है। वाओ, तो आपने यहाँ तक देखा तो ज़रूर बताइएगा कि इस यात्रा का वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही आने वाली यात्राएं भी हम आपके साथ इस चैनल पे शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।